हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बेटा हम थ्योरम्स देखेंगे। तो पहला थ्योरम आज के इस वीडियो में आएगा और सामने के फिर वीडियो में दो वीडियो में दूसरा और तीसरा आएगा बेटा थ्योरम। तो अभी हम पहला जो है ना थ्योरम बेटा, वो थ्योरम जो हमें क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, पहला थ्योरम वो पहले थ्योरम पे आ रहे हैं बेटा। ओके चलो फिर क्या है थ्योरम बताओ। ये देखो थ्योरम्स पहला वाला, यस। तो थ्योरम क्या है ये जरा हम देखते हैं। तो इफ वाई इक्वल टू बेटा एफ ऑफ यू, हाँ वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू। तो यहाँ यू बेटा ये जो है इसका फंक्शन है वाई, ये दिया है। एंड यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी यू इक्वल टू जी एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन यू है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ देखो बेटा, यू का फंक्शन है वाई और एक्स का फंक्शन है यू, मतलब वाई ये फंक्शन है, वाई ये फंक्शन है यू का और यू ये फंक्शन है एक्स का। ओके यस ओके। तो सच दैट इस प्रकार से कि द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट यानी कंबाइन फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। आप बोलेंगे सर ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स कैसे है, अभी बता दो। देखो बेटा यहाँ से ये वाला, तो ये वाई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही एफ वैसे ही और यू की वैल्यू क्या है देखो जी एक्स, तो ये जी एक्स रखा, इसलिए हमें ये कंपोजिट फंक्शन मिला ये वाई के रूप में। तो वाई इक्वल टू यफ, वाई इक्वल टू यफ और यू की वैल्यू जी एक्स, तो वाई इक्वल टू एफ जी एक्स। ओके इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाई एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन हुआ, एक्स ए वेरिएबल और वाई ए फंक्शन। देन तो हमें बोला ही शो करने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला। तो देखो बेटा अगर मैं सादे इसमें बोलूँ तो ये डी यू तो कैंसल हो जाता है, तो बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वही डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड भी आ रही है। हाँ लेकिन ये हमें प्रूव करके बताना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, हेंस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। तो वाई की हमें वैल्यू दी है साइन स्क्वेयर एक्स, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो इसमें पहला पार्ट ये प्रूव करना है और फिर इसकी डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। तो चलो मैं आपको अभी आंसर पे लेके आता हूँ। हमें यहाँ पे पहले तो वो थ्योरम जो है बेटा वो थ्योरम प्रूव करना है। यस पहले हमें वो थ्योरम प्रूव करना है, थ्योरम हम प्रूव करेंगे और फिर उसका जो दूसरा पार्ट हमें पूछा है वो भी हम फाइंड करेंगे। तो ये बेटा थ्योरम्स में पहला वाला, तो क्या दिया है बेटा मुझे बताओ। गिवन वाई इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, अभी हमने देखा ना क्वेश्चन में कि y ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन u का। ओके एंड ये वाला u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो y ये u का फंक्शन है और u ये x का फंक्शन है। यस तो अभी बरोबर ध्यान दो भाई, यहाँ क्या हुआ देखो, फिर मुझे फिर से बताओ कि y ये फंक्शन है u का और u ये फंक्शन है x का। तो अब हम ये x में जो है बेटा x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट समझते हैं ना बेटा, इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी। हाँ इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी। हाँ तो x में हम छोटी सी बढ़ोतरी इंक्रीमेंट करेंगे डेल x इतनी, तो x में डेल x इतनी छोटी सी बढ़ोतरी करेंगे एक्स में। तो अकॉर्डिंगली फिर एक्स में चेंज आया तो यू में चेंज आएगा और यू में चेंज आया तो वाई में चेंज आएगा, बरोबर। यस तो फिर लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, मतलब एक्स में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट कितनी, डेल्टा
डेली एक्स, फिर से बताओ, एक्स में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेली एक्स, ये सिंबल बेटा डेल, तो डेली एक्स ये छोटी सी इंक्रीमेंट एक्स में की, देन तो डेल यू ये क्या हो जाएगी, स्मॉल इंक्रीमेंट इन यू, तो एक्स में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेली एक्स, तो फिर यू में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल यू, एंड इसी प्रकार से डेल वाई इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, डेल वाई क्या होगी, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई, यानी वाई में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल वाई, तो पूरा मतलब क्या हुआ, तो पूरा मतलब ये हुआ बेटा कि एक्स में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल एक्स, तो फिर यू में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल यू, और वाई में आने वाली छोटी सी इंक्रीमेंट डेल वाई, यस। तो फिर अगर हम सामने बढ़े तो क्या होगा, देखो तो सादी मैथमेटिकल स्टेप कि लेट डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे भाई देखो ये डेल यू तो आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना, तो फिर राइट हैंड साइड में बचा क्या, डेल वाई बाय डेल एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स। अरे इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई ना, यस। तो ये देखो यहाँ पे तो हमने डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में जानबूझ के क्या लिया, डेल यू, तो पूरी स्टेप मुझे फिर से बताओ क्या कंसिडर करनी है, कि लेट डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ओके। अब हम सामने बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, सामने लॉ दोनों तरफ हम लिमिट लेके लिमिट लेंगे, तो टेकिंग लिमिट, लॉग नहीं बेटा, लिमिट टेकिंग लिमिट, हाँ ओके। तो टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये स्टेप बरोबर ख्याल में रखो बेटा, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब डीवाई बाई डी एक्स की तरफ भी हम लेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये लिमिट एल आई एम यानी पूरा शब्द है बेटा, लिमिट लिमिट ये पूरा शब्द, और उसका स्मॉल वर्ड है एल आई एम यानी लिमिट, लिमिट उसको स्मॉल एल आई एम को पूरे मतलब पूरा नाम है लिमिट, स्मॉल इसमें हम उसको एल आई एम बोलते हैं, एक ही बात है। तो फिर मुझे बताओ क्या टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड डेल वाई बाई डेल एक्स है, तो इधर भी हमने लिमिट एज डेल एक्स टेंड टू जीरो लिया, और ये राइट हैंड साइड बेटा डेल वाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, इधर भी हमने बेटा लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो हमने क्या किया बताओ, इधर भी लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, इधर भी लिमिट ली एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो बैलेंस हो गया ना बेटा, दोनों तरफ ली तो बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस। अब बेटा सामने हम बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही क्या लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये वैसे ही लिखा बेटा लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो इक्वल टू, वैसे ही अब ये लिमिट एज डेल एक्स टेंड टू जीरो ये डी वाई बाय डी यू को भी देंगे और डी यू बाय डी एक्स को भी देंगे, मतलब ये लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो सेपरेट कर देंगे, तो क्या होगा फिर लिमिट डेल वाई बाय डेल यू एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये लिमिट डेल वाई बाय डेल यू एज डेल एक्स टेंड टू जीरो ये दिया इंटू वैसे ही, और ये लिमिट डेल यू बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो ये लिमिट डेल यू बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, हाँ तो डेल यू बाय डेल एक्स को भी ये लिमिट दी, ओके। अब अगर हम सामने बढ़ते हैं तो क्या होगा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखी, बिल्कुल लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये लिमिट डेल यू डेल वाई बाय डेल यू एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये क्या है बेटा डेल एक्स टेंड टू जीरो था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है डेल यू, यहाँ डिनोमिनेटर में डेल यू है, इसलिए ये डेल एक्स टेंड टू जीरो को चेंज करके हम डेल यू टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल यू टेंड्स टू जीरो। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे चेंज कर दिया, ये सर डेल एक्स टेंड टू जीरो था तो इधर ये डेल यू टेंड्स टू जीरो कैसे, तो इधर बेटा हमने रीजन दिया है कि एज डेल एक्स टेंड टू जीरो
देयरफॉर डेल यू टेंड्स टू जीरो। जब डेल एक्स टेंड टू जीरो होता है तब डेल यू टेंड्स टू भी जीरो होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, जब डेल एक्स टेंड टू जीरो तो डेल यू टेंड्स टू जीरो क्यों? अरे बेटा एक्स ये वेरिएबल है और उसका फंक्शन है यू, जो हमें प्रॉब्लम में दिया है कि एक्स वेरिएबल है और उसका फंक्शन है यू। अरे जब एक्स में चेंज हुआ तो यू में भी चेंज होगा ना, एक्स में चेंज हुआ मतलब यू में चेंज होगा क्योंकि एक्स वेरिएबल है और उसका फंक्शन यू है। तो जो वेरिएबल में चेंज आता है तो फिर फंक्शन में भी वो चेंज आता है, वेरिएबल में चेंज आया तो फंक्शन में भी चेंज आया है। मतलब ये ऐसे ही मान लो, मैं आपको बताता हूँ, एक्स ए वेरिएबल, यू ये फंक्शन। तो एक्स है मान लो कोई बेटा एक घर का फैमिली का एक व्यक्ति हेड है और यू है उसकी फैमिली फंक्शन। ओके यू है फैमिली, अब वो घर पे अकेला ही कमाने वाला व्यक्ति है ये एक्स। अब इसका जो पेमेंट मान लो इसका पेमेंट 50,000 रुपया है। अब उसमें उसके पगार में 10,000 रुपये इंक्रीमेंट हुई तो 50 के 60,000 हुए। अरे तो उसकी फैमिली की इनकम भी 50,000 से 60,000 होगी ना। तो भाई जब इस व्यक्ति का पेमेंट बढ़ा मतलब फैमिली का पेमेंट बढ़ा ना, क्योंकि ये एक्स ये वो मेंबर है और ये उसकी फैमिली है, तो उस व्यक्ति का पेमेंट बढ़ा मतलब फैमिली का पेमेंट बढ़ा ना। तो एक्स में चेंजेस आए तो यू में चेंजेस आएंगे। यस, तो डेल एक्स टेंड टू जीरो तो फिर डेल यू टेंड्स टू भी जीरो। तो देखो बेटा ये डेल एक्स टेंड टू जीरो की जगह हमने डेल यू टेंड्स टू जीरो रखा। क्यों रखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ डेल यू है इसलिए। तो हम डेल एक्स टेंड टू जीरो है तो डेल यू टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं। यस, तो कौन सा चेंज आया? तो आप बोलेंगे सर ये बाकी तो वही है, लिमिट डेल यू डेल वाई बाय डेल यू वैसे ही, बस ये एज डेल एक्स टेंड टू जीरो था तो यार डेल यू टेंड्स टू जीरो लिखा, नो प्रॉब्लम। इनटू और ये राइट हैंड साइड, तो ये वाली जो बेटा राइट हैंड साइड का ये सेकंड पार्ट ये वैसे है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो लिमिट डेल यू बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, इसमें चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल एक्स था तो यार डेल एक्स टेंड टू जीरो ही रहेगा। हाँ, तो देयरफॉर ये देखो बेटा लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो यानी आता बेटा डी वाई बाय डी एक्स, यानी सादी भाषा में अगर बताओ बेटा तो ये तो डेल वाई बाय डेल एक्स है तो इंक्रीमेंट थी, है कि नहीं? डेल एक्स ये इंक्रीमेंट एक्स में की, डेल वाई ये इंक्रीमेंट वाई में की। तो ये डेल वाई बाय डेल एक्स का अगर हमने लिमिट लिया तो हमें बेटा ये टोटल वैल्यू मिलती है डी वाई बाय डी एक्स। तो ऑलवेज ख्याल में रखो लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी बेटा ऐसे ही होगा, क्या होगा बताओ? लिमिट डेल वाई बाय डेल यू एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो ये डेल यू क्या है? यू में की इंक्रीमेंट। डेल वाई क्या है? वाई में की इंक्रीमेंट। तो ये डेल वाई बाय डेल यू, इसकी अगर हमने लिमिट ली, लिमिट डेल वाई बाय डेल यू एज डेल यू टेंड्स टू जीरो, तो इसकी टोटल वैल्यू जो हमें मिलेगी ये वही मिलेगी बेटा, क्या? डी वाई बाय डी यू। तो लिमिट डेल वाई बाय डेल यू एज डेल यू टेंड्स टू जीरो यानी बेटा उसकी कंप्लीट जो वैल्यू मिलेगी हमें ये मिलेगी डी वाई बाय डी यू, जैसे ये मिली थी, ये लिमिट डेल वाई बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो ये हमें मिली कंप्लीट वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स। ये बेटा डेल वाई बाय डेल एक्स थी, ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये भी क्या होगी? डेल वाई बाय डेल यू की लिमिट, यानी ये डी वाई बाय डी यू कंप्लीट वैल्यू मिली बेटा। ये छोटी इंक्रीमेंट जो थी ना डेल वाई बाय डेल यू, इसकी हम जब लिमिट लेते हैं तो हमें वो कंप्लीट वैल्यू मिलती है डी वाई बाय डी यू इंटू, वैसे इधर भी वैसे ही बेटा लिमिट डेल यू बाय डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो ये डेल एक्स तो छोटी सी इंक्रीमेंट है एक्स में की, डेल यू ये यू में की छोटी सी इंक्रीमेंट है, तो ये डेल यू बाय डेल एक्स जो है इसका अगर हमने लिमिट लिया तो हमें ये टोटल वैल्यू मिलती है क्या? डी वाई डी डी यू बाय डी एक्स। तो फिर मुझे बताओ क्या मिला हमें? तो हमें मिला बेटा इसकी वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू डी वाई बाय डी यू इंटू वैसे, और इसकी वैल्यू बेटा डी यू बाय डी एक्स। तो पूरी स्टेप हमें क्या मिली? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, इसलिए बेटा हेंस प्रूव। तो ये पहला पार्ट हो गया, उसमें फिर सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है, क्या पूछा है? तो देखो ऑल्सो गिवन, फिर हमें क्या दिया था बेटा? वाई इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, और इसकी हमें डेरिवेटिव यानी डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं, y वैसे ही
वाई वैसे ही इक्वल टू वैसे, और मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा ये साइन स्क्वेयर एक्स यानी साइन एक्स का स्क्वेयर, फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा साइन स्क्वेयर एक्स यानी बेटा साइन एक्स का होल स्क्वेयर, एक ही बात होती है बेटा ये, ओके। तो फिर बेटा साइन स्क्वेयर एक्स यानी साइन एक्स का होल स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स यानी साइन एक्स का होल स्क्वेयर। चलो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सादे इसमें लिख लिया। अब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये एक्स वेरिएबल है और वाई ये फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड में एक्स वेरिएबल है इसलिए उसी से डिफरेंशिएट किया, तो वही गेट। दोनों तरफ हम लेंगे बेटा डी बाई डी एक्स, इधर भी और इधर भी, तो y का d बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही साइन स्क्वेयर का d बाई डी एक्स। तो दोनों तरफ हमने क्या लिया बेटा, d बाई डी एक्स लिया। चलो फिर हम सामने बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा बताओ ज़रा मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये तो d बाई डी एक्स ऑफ y यानी dy बाई डी एक्स आ गया सर, इक्वल टू सर ये साइन x का स्क्वेयर, ये पूरा फंक्शन है ना इसकी डेरिवेटिव, तो पावर टू सामने आ जाता है, ये साइन एक्स वैसे ही और पावर एक से कम हो गया है, टू सामने लिया ना, पावर एक से कम किया तो वन, तो यहाँ पे बेटा वन आता है, लेकिन वन लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए लिखा नहीं। तो ये टू बेटा सामने, ये साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, तो साइन एक्स की डेरिवेटिव बेटा देखो पूरा फंक्शन है बेटा साइन एक्स का स्क्वेयर और इसका इनर फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वेयर इसके डेरिवेटिव तो आगे बेटा टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी बेटा साइन एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे इक्वल टू वैसे टू वैसे ही साइन एक्स वैसे ही, और यहाँ बेटा साइन एक्स की डेरिवेटिव ये कॉस एक्स आती है। अगर हम सामने बढ़े तो देखो बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये फार्मूला है बेटा साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स यानी टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला मैंने शुरू में ही आपको कई बार बताया है, साइन टू एक्स यानी टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या मिला बेटा हमें, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी साइन टू एक्स, तो हमें बेटा ये डेरीवेटिव मिली डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिली साइन टू एक्स, ये वैल्यू मिली। तो ये डेरीवेटिव dy by dx इक्वल टू साइन टू एक्स, ये dy by dx मिला, किसका dy by dx मिला बेटा, हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था y इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमें y ये फंक्शन दिया था उसकी वैल्यू साइन स्क्वेयर एक्स दी थी जिसमें x ये वेरिएबल था, और हमें बोला था कि भाई इस y फंक्शन के लिए dy by dx फाइंड करो। तो हम इसको सॉल्व करते गए और उस y की डेरिवेटिव dy by dx मिला है कितनी sin 2x। ओके बेटा तो ये हो गया बेटा ये पहला थ्योरम और उसके ऊपर का ये जो क्वेश्चन हमें पूछा था ये वाला। अब सामने के वीडियो में अगला हम थ्योरम देखेंगे। ओके बेटा।